हेलो जी दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए व्लॉग में। हाँ भाई, एक और नए कंसिस्टेंट व्लॉग में। ये शायद 74वां व्लॉग है, 74th व्लॉग है शायद ये मेरा इस वाले चैनल शनि भाई। तो भाई इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ ये प्रोटीन शेक ले रहा हूँ, जिसके अंदर भाई 2 स्कूप प्रोटीन के हैं, ठीक है। एक स्कूप है ये मसल ब्लेस का क्रिएटिन, जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, और एक स्कूप है ये नेचर लैंड ऑर्गेनिक्स का वीट ग्रास पाउडर। अरे भाई ये बहुत कड़वा होता है, बहुत ही गंदा लगता है मेरे को, एकदम बिल्कुल भांग के जैसा टेस्ट करता है। और तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार भांग कैसे पता है तेरे को। भाई हाँ, मैंने भांग एक दिन खाई थी यार, बिल्कुल घास के जैसी टेस्ट करती है। और ये वीट ग्रास पाउडर है भाई, बिल्कुल ही घास है भाई ये। और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा बर्फ डाल दी है जिससे ना थोड़ा पानी आ जाए बाद में, जिससे यार थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए। भाई मेरे को ये है ना हरी भरी कड़वी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार, बट लेनी पड़ती है क्योंकि अंदर से जो आयुर्वेदिक स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेदिक स्ट्रेंथ, हाँ भाई, इंडियन स्ट्रेंथ होती है ना वो बेस्ट होती है, नेचुरल होती है, आयुर्वेदिक होती है। और जो हमारी एक्सरसाइजेस होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है हमारे मोबिलिटी के लिए। तो ट्राई करो, इंडियन एक्सरसाइजेस करो तुम लोग। जिम में ये सब जो होता है ना, बेंच प्रेस, स्क्वाट, ये सब चीजें अपनी जगह पे है, पर एक इंडियन एक्सरसाइज होती है ना वो अपनी जगह पे होती है, जो बॉडी वेटेड एक्सरसाइजेस होती है। बॉडी वेट रहता है आपका, उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जितना आपके जॉइंट सपोर्ट करते हैं आपको उतना ही आप वेट उठाते हो। अभी मैं खा रहा हूँ तरबूज वाटरमेलन, और ऐसा दिख रहा है ये एकदम इमोजी के जैसा दिख रहा है बहुत ही फनी लग रहा है। करो करो एक साथ नहीं भाई, अगर आप अपना प्रोटीन शेकर भी हिला रहे हो तो लेफ्ट वाले हाथ से हिलाओ, बहुत जरूरी होता है, उसी से लेफ्ट वाले फोरआर्म्स बनते हैं। ये देख लो जरा मेरा फोरआर्म देख लो आज, तो ये देख लो भाई, तो ये जो होता है ना ये लेफ्ट वाले हाथ से करा करो, इससे ना आपकी रिस्ट मोबिलिटी भी बढ़ती है और आपके फोरआर्म स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये देखो अब मैं ऐसे भी कर पाता हूँ। गाइस बस अभी रैंडमली है ना किसी साइड वाले बायस्टैंडर जो होते हैं गाड़ी में, उन्होंने बोला कि भाई आपके टायर, गाड़ी के टायर में बहुत हवा कम है, ऐसे बोला यूं किया। मैं समझ गया यार, शिट भाई हवा, क्योंकि भाई जब मैं निकल रहा था ना तभी मुझे पता था कि हवा कम है, पर मैं भूल गया यार, डिले कर रहा था, डिले हवा डलवाना। अगर आप भी गाड़ी चलाते हो, टायर है, टायर वाली कोई भी चीज चलाते हो भाई, हवा डलवा लेना उसमें प्लीज भाई। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो देख लो हमारा बढ़िया सा इंडियन फ्लैग, जय हिंद। तो भाई अभी हम लोग खड़े हुए हैं फाटक पे, फाटक मतलब ये जो होता है ना जो ऐसे बंद हो जाता है जब ट्रेन आती है, तो ये जो क्रॉसिंग होती है इसको हिंदी में फाटक बोलते हैं भाई। और अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं और मौसम देख लो, बादल ही बादल हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं भाई, बस बढ़िया है चलो। और ये देखो भाई, ये आज गाने भी नहीं सुन रहे, आज हम लोग गाने भी नहीं सुन रहे भाई, क्योंकि ये देखो यार पास में ट्रैक्टर आके खड़ा हो गया है, और भाई सब लोग है ना बीटी ले रहे हैं सही बताऊं तो यहाँ पे, और हम लोग भी है ना थोड़ा बीटी में है, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे है ना वॉशरूम जाना है यार, और मेरे को वॉशरूम मिल नहीं रहा, मेरे को है ना सुसु जाना है, ठीक है। और भाई नेचर्स कॉल आ गई है मुझे, और मेरे को मिल नहीं रहा यार वॉशरूम। अब ऐसी जगह पे आप आए हो तो कहाँ मिलेगा यार, अब किसी कैफे पे जाना पड़ेगा, कहीं पे कुछ खरीदना पड़ेगा तभी जाने देते हैं लोग देख लो यार, सड़क पे मूतने का, सड़क पे ना मूतने का नतीजा और वो देखो फाटक खुल गया है, अब हम जा रहे हैं सब लोग, चलो। ये देखो ये साला मेरे से, ये देखो बेटा, वेट, मैं जाऊंगा भाई, देखो एकदम लाइन में लगा हुआ हूँ। ये देखो ये जो फाटक की ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन तोड़ के लोग आ रहे हैं, ये देखो इतनी सी लाइन के अंदर भाई रह लो यार, क्या है। और ये देख लो भाई पुलिस भी मैनेज कर रही है यहाँ पे,
पुलिस वाले अंकल है वो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं पूरा ट्रैफिक। तो देखो वहाँ पे वो लड़का कितनी ऊपर चढ़ के इतना खतरा मोल लेके क्या काम कर रहा है। देखो दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। जरा यहाँ पे देखो पूरा ट्रैफिक अटक चुका है, लेफ्ट से आने वाले लोग राइट जा रहे हैं और सीधा जाने वाले लोग बेचारे अटके हुए हैं। सर हमको भी निकालो सर यहाँ से। सर जी भैया जी गाइस एक और जगह पे देखो बेटिंग एप्स प्रमोट हो रहे हैं ऑटोस के पीछे। ये बेटिंग एप्स यार सही में काम भी करते हैं क्या, असली होते हैं क्या? भाई मैंने तो आज तक कभी नहीं करी बेटिंग और भगवान ना करे मुझे जरूरत पड़े बेटिंग एप्स प्रमोट करने की मेरे चैनल पे। भाई चलो चलो ग्रीन लाइट हो गई, चलो 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 चलो। ये देखो सारे क्रिकेटर्स मौजूद है इस वाले एड पे। भाई ये आंटी पिछले आधे घंटे से ना गलत चला रही है ये वाली आंटी, और अब देख लो सारा ट्रैफिक ब्लॉक करके राइट में जाना है आंटी को। हाँ आंटी प्लीज लेट्स मूव। ये देखो भाई येलो लाइट हो गई, फक फक फक, चलो 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 एफ एफ एफ। आवाज सुनो गाड़ी की, क्या आवाज आ रही है गाड़ी की, एक नंबर। भाई गाइस गाड़ी की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, मुझे तो आ रही है पर कैमरा में माइक में कैप्चर नहीं हुई। अब बस तुम विश्वास कर लो कि भाई बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है एकदम वो जो गाड़ी होती है ना बड़ी वाली AMG के जैसी आवाज आ रही है सही में, बिल्कुल ऐसी वाली आवाज आ रही है। क्योंकि मेरा साइलेंसर जो है गाड़ी का लीक कर रहा है और भाई मुझे ठीक करवाना है वैसे तो। और यार अंकल ग्रीन लाइट में भी, हमारी ग्रीन लाइट हो रही है फिर भी आ रहे हैं, क्या यार। कोई बात नहीं भाई, चलो मैं तो अपना कंटिन्यू करता हूँ। मेरी गाड़ी की ये जो तगड़ी आवाज आ रही है साइलेंसर में से मुझे बड़ा मजा आता है। अभी ना कितनी तेज चलाई मैंने बट फिर भी है ना, मतलब उसमें ब्लॉग में शो नहीं हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हमने तेज भी चलाई। और मुझे ये भी लगता है कि है ना एक तो गाड़ी के अंदर बहुत ही नॉइज कम है और है ना जितनी अपन तेज चलाते वो भी अपने को तेज लगती है क्योंकि आई गेस वो इतनी तेज नहीं होती, ये आवाज नहीं आ रही होती है वैसे हमेशा। हाँ कभी कभी आ रही होती, कभी कभी नहीं आ रही होती। अभी जैसे मैं फ्रंट कैमरा से कैप्चर कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन पकड़ रहा होगा, हो सकता है, अभी देखेंगे। हो गया भाई, हम लोगों ने थ्रिफ्ट शॉप से भी हमारा सारा जो भी हमने स्टॉक सोर्स करने गए थे और वो मिल गया। चलो भाई बढ़िया थ्रिफ्ट शॉपिंग हो गई और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने, तो हम लोग कुछ खा लेंगे यार। आधा घंटा है ना अभी तुम्हारे पास में, तो हम लोग कुछ खा लेंगे बाहर ही आज, घर पे जाके बनाने का मन नहीं है आज यार। हाँ यार आज बाहर ही खाने की इच्छा हो रही है, उपमा खा लेंगे अगर इच्छा होगी तो, अभी कुछ और खा लेते हैं। तो मैंने बेल्ट नहीं लगा रखी, excuse me you started blocking, बेल्ट नहीं लगाई थी मैंने, so sorry I'm so sorry traffic police, मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी, अब लगा ली एकदम से बेल्ट। तो भाई गाइस बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूड़ी सब्जी खाई थी और मसाला डोसा खाया था हमारे फेवरेट कैफे पे बैठ के, और उसके बाद हम लोगों ने एक और डोसा मंगवाया चिली गार्लिक रोस्ट डोसा, काफी अच्छा था यार, बस थोड़ा सा हेवी हो गया। और अब मुझे जिम जाना है और जिम जाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है यार, इतना सारा खाना खा लिया। और अभी बज रहे हैं रात के 8:40, सुबह 10 बजे उठ गया था मैं आज, अभी रात के 8:40 हो रहे हैं और अब जिम जा रहा हूँ। तो ये है मेरी जिंदगी। इस वाले व्लॉग के लिए बस इतना ही, पास में है ना पड़ोस में काम चल रहा है इसलिए शायद ज्यादा आवाज नहीं आ रही होगी, पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाज थोड़ी गूंज रही है, अब क्या हो रहा है बहुत दिक्कत हो रही है भाई बोलने में। वीडियो एडिट कर रहा था इतनी देर से तो बहुत मुश्किल आ रही थी भाई। तो चलो अगले व्लॉग में मिलते हैं, बहुत मजा आया इस वाले व्लॉग में, अगले वाले व्लॉग में भाई और भी मजा आने वाला है, मैं दिखाने वाला हूँ तुम लोग को। अरे हाँ भाई एक मिनट रुक जा भाई। हाँ तो भाई अब मैं दिखाने वाला हूँ बढ़िया डांस के वीडियोस, डांडिया महोत्सव, दिवाली, फुल दशहरा, फुल
फुल त्योहार आने वाले हैं, फुल त्योहारों पे मस्ती करेंगे अपन। सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय।